सुबह उठते ही कचरा उठाने वाले तंग कर देते, इन पर रहम करना ही नहीं चाहिए। दिमाग खराब करके रख दिया, पागल हो गया हूं मैं। सुबह सुबह किसे डांट रहे हो? हाँ? मुर्गी लेकर आए हो तो मसाला तो बनाना पड़ेगा ना। हेलो। हाँ हैं, मैथो साहब सो रहे हैं। बताता हूँ, उनकी पत्नी का दाह संस्कार करके अभी अभी गए हैं। हाँ ठीक है, मैं यहाँ का नौकर हूँ साहब। जी समझ गया साहब, जरूर मैं बता दूंगा। मैथु साहब कुछ खाए भी नहीं और बेड पे लेटे हैं। हाँ उसको वहीं रहने दो। बस कीजिए साहब, होटल से फोन आया था सन्नी सर का, उनको खबर मिली तो उस वक्त वो मद्रास में थे, ये कहा। वो फोन रिसीवर नीचे रखो, बॉटल यही रहने दो। क्या
किसी को भी अंदर आने मत देना, बोलना कि साहब लेट है। मैं बोल दूंगा, समझ गया, बता दूंगा, नहीं नहीं भूलूंगा नहीं। मैथ्यू क्या कर रहा है? वो लेटे हैं, अंतिम संस्कार होने के बाद से ही वो लेटे हुए हैं। हाँ। बाला साहब आप आएंगे, सब आपका इंतजार कर रहे थे। साहब ने 3 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। मैथ्यू, मैथ्यू। मुझे रात में मैसेज मिला था। बाला की चिट्ठी अभी तक क्यों नहीं आई? सुबह ही मुझसे पूछ रही थी, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? मैंने जो फ्लाइट पकड़ी थी वो थी वाया गोवा। अच्छा, तुम भाई से बोलकर अपने लिए लुंगी ले लो। पहले तुम जाके नहा लो, नाश्ता करेंगे। किसी बीमार आदमी की तरह यहाँ क्यों पड़े हो? मैं बहुत जल्दी मर जाऊं तो अच्छा होगा, मैं यही चाहता हूं। उठो। कहां है मेरी बॉटल? अच्छा खासा पी रहा था, वो उठा कर ले गया। बस करो मैथ्यू, बहुत हो चुका। गेट अप, अब मैं आ गया हूं ना, चलो। साहब नींद से उठते ही मेम साहब को बुला लिया करते थे, नाश्ते के टाइम पे भी। किताब वगैरह सब ठीक से रखना है बोले तो साहब फिर भी वहीं पे खड़े रहते थे, ये हमने देखा। मेम साहब के साथ तूने ऐसा क्यों किया ऊपर वाले? घर के दीवारों पर बंदूक टांगो तो मेम साहब मना करती थी, उनको तो बंदूकें छूना पसंद नहीं थी। पता नहीं फिर भी मेम साहब के साथ यह हादसा कैसे हुआ। कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है साहब, कोई भी नहीं जानता है। अगर ये सब बातें हथियार बनाने वाले जान जाए तो हथियार क्यों बनाएंगे वो लोग? प्रेस वाले, मीडिया वाले सब यहां आए थे, टैक्सी से आते वक्त मैंने पढ़ा। 27 साल की उम्र में एक कवि को उम्मीद से भी ज्यादा सम्मान मिला, वो भी उसकी मौत पे। चीफ मिनिस्टर ने भी मैसेज किया था। जहाँ रबर के पेड़ पैदा होते हैं वहाँ एक कवि पैदा हुई, इस बात का मुझे आश्चर्य होता है। जिसने कभी बंदूक छुई तक नहीं, उसकी मौत बंदूक से ही होती है, यकीन नहीं होता। बंदूक और बम से जो बर्बाद होता है उसे क्या हम फिर से आबाद कर सकते हैं? ऐसा लीना ने एक कविता में लिखा था, वो तो तुम्हें याद होगा ही। संगीत ही मेरी उम्मीद है और उम्मीद कभी टूटनी नहीं चाहिए। बाला,
600 एकड़ का बागीचा, पिताजी की जायदाद और पैसा है, फिर भी मैं पागल और बेवकूफ बन गया, वो भी अपने सारे रिश्तेदारों के सामने। तुम्हें पता है ना? जानता हूँ, तुम्हें हिम्मत देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तुमसे सच छुपा के रखना नहीं चाहता हूँ लीना। हाँ, जैसे मरी वो एक्सीडेंट नहीं था, इट वॉज ए सुसाइड, आत्महत्या। मेरे अंकल और मेरा कजिन वही सब ये सब हैंडल कर रहे थे। आत्महत्या कहे तो हमारे ऊपर हजारों सवाल उठेंगे, उनकी बात भी सही है, इसलिए उन लोगों ने एक्सीडेंट कह दिया। पुलिस और डॉक्टर ये जानते हैं कैसे? कैसे? ये मैं भी जानना चाहता हूँ। वाह, तुम नहीं जानते? 100 बार 1000 बार मैं अपने आप से सवाल किया, कैसे कैसे? मैं नहीं जानता बाला, मैं नहीं जानता, ये सच है, मुझ पर भरोसा करो। उसने ऐसा क्यों किया मैं ये नहीं जानता। आई डोंट नो। मेरे प्यारे बाला, जो बेमतलब की बातें जरूरत के वक्त काम आती है, वैसे ही कुछ काम के लिए बहुत सी चीजें बाला ने हमें दिलवाई। कवि के नाम से ना जाने इसलिए मैं इसे चीज कहना पसंद करती हूँ। डायबिटीज के नाम पर शक्कर की दवाइयाँ बेचते हैं, वैसे मैं भी अपना नाम बदलकर उस नाम को अच्छा बनाना चाहती हूँ। आपके दिए हुए पैसों से मैंने अपनी कविताओं को प्रिंट करवाया, आज पहली बार कविता छप कर आई है पेपर में, सुलोचना के नाम से। सुलोचना केयर ऑफ सेलिना जोसेफ, इस नाम से पुकारने के कारण सेलिना जोसेफ कविताएं कैसे लिख सकती है इस बात का प्रेस वालों को शक हो जाएगा। इसी बात के डर से फिर से मैंने अपना नाम बदला। कभी कभी मुझे बाला की कही हुई बातें कभी कभी मेरी हिम्मत बढ़ाती हैं। लिखना कम था लेकिन लिखते लिखते कुछ ज्यादा ही हो गया, इसलिए आप यहाँ कब आओगे? वहाँ तुम्हारे पसंद की कोई लड़की मिले तो जरूर बताना, मैं सारी व्यवस्था करूंगी। मेरी भी इच्छा है कि तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए, एक सच्ची साथी, प्यारी साथी तुम्हें मिले जिसके साथ शादी करके तुम अपना जीवन अच्छे से शुरू कर सको। जोसेफ सर दिन भर सोते हैं और रात भर जागते रहते हैं। जब तुम आओगे तो मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। तुम्हारी दोस्त लीना। पीएस, एक मंत्री ने दारू पीकर फ्लाइट में झगड़ा किया, तुमने उसका इंटरव्यू कर उसका राज खोल दिया, बहुत अच्छा किया। सोए नहीं? हाँ। तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था? कुछ भी नहीं बाला, बिलीव मी। सुबह मैं जीप से बगीचा जाने के लिए तैयार हुआ, वो मजाक करने लगी, मेरी शर्ट देखकर मुझ पे कमेंट करने लगी। कुछ केसेस में क्या होता है तुम जानते हो, लोग अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में, जैसे कि नथिंग, बच्चा ना होने की वजह से। जब मैंने इस बारे में उससे बात की, उसने कहा अभी बच्चा संभालना मुश्किल है, हम अभी बूढ़े तो नहीं हुए जा रहे हैं ना, उसने ये कहा मुझसे। अब तुम ही ये बात बताओ बाला कि बच्चे की बात कहाँ से आ गई? लीना को कुछ ऐसा तो नहीं पता चला, जैसे अफेयर्स या फिर कोई और लफड़ा, खुल के बताना। क्या अफेयर? तुम मुझे नहीं जानते क्या? मैं दिल्ली में कितने फ्री माइंड से रहता था, मैं अपने तरीके से जीता था, ये बात तुम भी जानते हो, है कि नहीं?
फिर शादी होने के बाद मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, इसकी गारंटी दे सकता हूं 101%। लेकिन बिना किसी वजह के कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है? रैशनली एप्रिहेंसिबल कैजुअलिटी, आज के साइकोलॉजिस्ट ने यही नाम दिया है आत्महत्या को। कुछ भी नहीं दिखा। लेट अस फेस फैक्ट्स, लीना पर तुम्हें कोई शक था क्या मैथ्यू? बी फ्रैंक विद मी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाहर के लोगों से दूर रहने वाली घरेलू महिला थी वो। अपनी सर्कल में केवल तुमसे ही फ्रेंडली बातें करती थी वो केवल तुमसे ही फ्रीली बातें करती थी। तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो। आई एम श्योर शी वॉज सिंपल ट्रांसपेरेंट। वो बेसिकली कवि थी, सेंसिटिव। मैं जानता हूँ, उसे किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो ऐसा मैंने चाहा था। मैंने उससे कहा, तुम फालतू में तकलीफ क्यों उठाती हो, तुम खाली घर संभालो। हमारे आसपास रहने वाले लोग किसी को भी कभी भी फंसा सकते हैं, ये तो हम जानते हैं, इसी के बारे में हम बात करते हैं। शट अप। करोड़ों की कीमत का बगीचा है बाला, कवि लिखे सेंसिटिव है ये सोचने में अच्छा लगेगा क्या? बताओ मुझे, फालतू बात कर रहा है, नॉनसेंस। कुछ नहीं, लेकिन। क्या लेकिन? डोंट टेल मी द क्राइम। यहां सेटल होने तक मैं भी इसी दुनिया में रहा। सलीना का पति होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी, अभिमान की बात थी मेरे लिए, ऑनेस्टली। मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी हो रही है कि यह एक्सीडेंट है। क्या वो बंदूक चलाना जानती थी? नहीं, मैंने कबर्ड से बंदूक निकाल के उसमें कारतूस डालकर लोड किया। उसको ये पसंद नहीं था, फिर भी मैंने बंदूक चलाने सिखाया। पहले एक बार, यस, बंदूक को सीने पे लगा के यहां पे शी डिड इट। लेकिन कैसे? मैं भी यह सवाल कर रहा हूं, यही सवाल। जाने अनजाने में मैंने उसे दुखी कर दिया, ये मैं नहीं जानता। मैथ्यू सो जाओ। कैसे? इसका जवाब तुम्हारे पास है? टेंशन मत लो। हाँ, तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो क्या? यू फाइंड आउट। तुम किसी से भी सवाल करो, मेरे सर्कल में, उसके सर्कल में, बोथ एवरीथिंग। तुम्हें किसी पे भी शक हो, पूछताछ करो। छुपी हुई चीजें एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती हैं। मैंने उससे कुछ भी छुपा के नहीं रखा। यू कैन हेल्प मी, कुछ भी करो, कैसे भी करो, ढूंढ के निकालो क्यों ऐसा उसने किया, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, अब सो जाओ, मैं ढूंढता हूं। अब सो जाओ। मैं सुबह जल्दी उठ के ड्राइव पे गया था। लीना की फैमिली में किसी को मानसिक रोग हुआ था क्या? मन से तंदुरुस्त लोगों को भी मानसिक रोग हो सकता है, ऐसा डॉक्टर हैदरास कहते हैं। मैं वहीं से आया। हाँ, वो डॉक्टर हमारे बहुत क्लोज है। जानता हूँ। खानदान में किसी को स्ट्राइक ऑफ इंसेनिटी या कोई मानसिक बीमारी रही होगी, ऐसा डॉक्टर साहब को अंदेशा है। तुम कुछ जानते हो? बताऊं तो एक महीने पहले प्रसव में कोई कॉम्प्लिकेटेड था, उसको एक बीमारी थी 5 साल की उम्र से। क्या बीमारी? टाइफाइड नहीं, और कोई, हाँ, हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसने ये वजह बताई थी। हार्ट अटैक मजाक है क्या? तुम हंस रहे हो। नहीं, इस बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते, यही सोच रहा था मैं। फादर टाइफाइड से गुजरे या फिर हार्ट अटैक से गुजरे, इसके बारे में तुम क्या पक्का जानते हो? कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं लीना को देखते ही पसंद कर लिया था। लीना के खानदान का मेडिकल रिपोर्ट और बीमारी के बारे में नहीं जानता, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। फादर का नाम? एंथनी फ्रांसिस। लीना की खबर तुमने मौली आंटी को दी थी, फोन किया था? मैंने टेलीग्राम भेजा लेकिन उनका जवाब नहीं आया। वो अब कहाँ है? पुराने वाले गांव में। यहाँ आके रहो ऐसा मैंने बहुत बार बोला था, लेकिन उसने कहा मेरा हस्बैंड बीमार है, मैं नहीं आ सकता। अच्छा,
ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छी भाई के आने के बाद से तुम चना दाल नहीं खा रहे हो, ये इनकी कंप्लेंट है। सारी बातें न्यू ईयर कार्ड की तरह बताते रहते हो। पुरानी बातें कभी नहीं भूलना चाहिए बालाजी। उस दिन सुबह सुबह कुछ हुआ था? कुछ नहीं। चंद्रशेखर या कोई और मेहमान आया था? मैं माइनर शर्लॉक होम्स जैसा हूँ, मुझे सब पता चलता है। तुम बगीचे में? स्मोक हाउस में कुछ रिपेयर करने के लिए कुछ नौकर आए थे। ब्रेकफास्ट कहाँ किया था? घर के अंदर। मैं बाहर आके देखा तो लीना ने पोस्ट ले लिया था। पोस्ट का वेट कौन कर रहा था? मैं। पोस्ट में कुछ खास? नहीं कुछ खास नहीं। लीना के लिए दो मैगजीन आई थी और एक लेटर आया था मौली आंटी का, यूजुअल। मैं वो लेकर पढ़ना चाहा क्योंकि परिवार का सुख दुख लीना और मेरे लिए प्रशंसा लिखा होगा, आंटी ने लिखा होगा और कुछ नहीं होगा। कोई फोन कॉल्स? फोन दो दिन से बंद है। एक्सचेंज करने के लिए मैंने आदमी भेजा लेकिन ये कब ठीक करेंगे पता नहीं। देर हो रही होगी आपको, तैयार हो जाइए। मैं तो सुबह से तैयार बैठा हूं लेकिन मैथ्यू अभी तक नहीं उठा। वर्मा जी अभी भी अकेले ही हैं? अकेले ही हैं, माँ कलकत्ता में हैं। वहां तो दो तीन महीना ठंड होगी। ओहो, कोई खास बात नहीं है, फोन पे सारी बातें वर्मा जी जान लिए होंगे। लीना मैम का रिश्ता नौकरों के साथ कैसा था? जब तक मैं यहाँ था उसने किसी को डांटा तक नहीं था, आप बताइए जरा। अजी वो चिल्ला के किसी से बात नहीं करती, यही जानने के बाद लोग उसके सर पे बैठ जाते थे। वो सबसे हाथ जोड़ के बात करती थी। उस दिन कुछ खास हुआ था? नहीं, हम तो खाना खा के जल्दी सो गए थे। बाद में क्या हुआ अब क्या बता सकता हूँ मैं आपको। उस दिन सुबह कोई आया था? सुबह दूध वाला आया था, यहाँ आसपास में उसकी दुकान है। फिर मच्छी वाला आया, तब ये नौकरानी मचमच करने लग गई थी, अच्छा मच्छी नहीं है तो मत खरीदो। तीन दिन से पेट गड़बड़ थी ये बोला था उसने। हमारे घर से चावल मसाला रोज लेकर जाती थी वो। उस दिन पोस्टमैन आया था, मैथ्यू ने बोला। बाद में कोई आया तो था। हाँ वो एंथोनी की बेटी आई थी, दवाई के लिए पैसा चाहिए, झूठा नाटक कर रही थी। कुछ तो दिया है, लगभग 25 रुपया होगा। वो एक नंबर की झूठी है, फिर भी मैम साहब ने उसको पैसे दिए। फिर वो कचरा उठाने वाले आए थे, उसमें से एक लड़के को मैंने बहुत मारा। फिर मैं सीधा किचन में चला गया, तभी ऊपर से मुझे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। जंगली मुर्गियाँ यहाँ वहाँ घूमती रहती है दिन भर, तो गोली चला दिया होगा किसी ने। हाँ इतना याद है कि उस वक्त मैथ्यू साहब बगीचे में गए हुए थे, तब मुझे कुछ कुछ शक होने लग गया। मैं ऊपर जाकर देखा, अभी भी मुझे वो दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। परिया इस धरती पे ज्यादा दिन तक नहीं रहती है, गांव वाले कहते हैं। सुंदर सुशील और अच्छे स्वभाव वाली लड़की अब इस धरती पे कहाँ है, ये लोगों को बताकर क्या करेंगे। लेकिन कोई कर भी क्या सकता है, अपनी अपनी किस्मत है। आपका बेटा अभी भी टैक्सी चलाता है? वो काम करे या ना करे मुझे क्या, अपनी माँ के बारे में तो सोचता नहीं है। अरे आप नाराज क्यों होती हैं? नाराज नहीं हूँ मैं। जब ये घटना हुई तब मैथ्यू को आप ही ने बुलाया था ना? नायर ने कहा था कि मैथ्यू साहब को बुला लो, इसलिए बुलाई, लेकिन बात क्या है ये मुझे नहीं पता। मैथ्यू बगीचे में था क्या? नहीं वो जीप के पास खड़े थे। खाली था इसलिए एक अच्छे काम पे लग गया सिर्फ तुम्हारी बात मान के।
वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। गो अहेड। ये डायरी देख के कोई फायदा नहीं। ये डायरी नहीं है, वर्कबुक है। पन्नों से भरे इस किताब में मैंने कुछ सपने छुपाए रखे हैं। भले दौड़ते हुए या फिर रेंगते हुए, मैं मेरी बात लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। मेरे दिल से निकली ये बातें वक्त रहते लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। ब्रिलियंट आइडिया, मानना पड़ेगा। लाइब्रेरी रूम को स्टडी रूम बनाओ, ये मैंने पहले से ही बोला है, लेकिन वो कोने में बैठ के लिखना चाहती थी। पहले एक बार मैंने मजाक में कहा था, सूचना, अंदर कवि और बंदूक है, ऐसा लिखकर बोर्ड टांग देना। यही व्यू सबसे अच्छा व्यू है। शी वॉज राइट। टेलीफोन की आवाज, अच्छी भाई की आवाज यहां सुनाई नहीं देती। अंदर कबर्ड, बॉक्सेस, बेड, सबकी छानबीन करो। मैथ्यू, तुम तो चर्च में प्रेयर करने के लिए बहुत जाते थे। हाँ, मुझे चर्च में प्रेयर करना अच्छा लगता है, लेकिन लीना को अकेले में प्रार्थना करना उसको अच्छा लगता था, लेकिन वो कभी दिखाती नहीं थी। वो हमेशा अकेले में प्रार्थना करती थी। बाइबल का महत्व है, बहुत है, हर तरीके से उसे हम पढ़ सकते हैं। धर्म ग्रंथ से नहीं, लेकिन महत्व साहित्य ग्रंथ से वेद किताबें पढ़ना, ऐसा लीना हमेशा कहती रहती थी। हमेशा मुझे सुधारने के लिए कहती थी बेचारी। लेकिन स्माइल, स्माइल। हाँ, वन सेकंड। अरे जल्दी करो यार। अरे मुझे हटा करो, सिर्फ मेरी पत्नी की फोटो ले रहा है। तेरा नारियल जैसा चेहरा कितनी बार क्लिक करूं? हाँ, थैंक यू। बाला को लेकर मैं आंटी के पास आया था, याद है ना? ये पीबी नायर नाम से दिल्ली में सब राजनीतिक लोग जानते हैं, ये बहुत फेमस जर्नलिस्ट है। आगे बैठो। मैं इसकी सारी कुंडली जानता हूँ। ये क्या बताएगा? इसे प्रेस में लाने वाला इसका गुरु मैं हूँ, चाहो तो इसको पूछ लो। गुरुजी, मैडम, मुझ जैसे सीधे को शराब और गलत आदतें सिखाने वाला गुरु यही है। वैसे मैडम, एक अच्छी बात बताऊँ? फॉर्मेलिटी करना छोड़, तू नाम से पुकार सकते हो। ये गुरु मुझे बहुत पसंद करता है, मैं भी गुरु को मानता हूँ, लेकिन अब इनसे दुश्मनी हो गई है और थोड़ी जलन हो रही है। लंगूर के हाथ में अंगूर, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आज उसका सबूत भी मिल गया। ये पागल जैसा बात करता है, बुरा मत मानना। हाँ, चेला भी तो आप ही का हूँ। फुटपाथ पे रहने वाले मुझ जैसे को इन्होंने खाना खिलाया, रहने की जगह दी, काम सिखाया, इसलिए इन्हें मुझे कुछ भी कहने का हक है। आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। मेरी आपसे यही विनती है कि दो वक्त की रोटी खिला दीजिए बस। आप सुन रही है ना मैडम? हाँ। थैंक यू। जब मैं यहाँ रहता था, मुझे कोई टेंशन नहीं होता था। मैं एक नॉर्मल इंसान बनकर जिया था, बस वो वही वक्त था। तुम्हारे यहां ना आने से वो नाराज होती थी। जानता हूं, उसे मैं अपनी बहन मानता था और शादी के बाद वो हंसी खुशी रह रही है, इसका मुझे अभिमान था, अधिकार था, थोड़ा बहुत अहंकार था। ये सब तब था जब मैं यहां रहता था।
तुम जानते हो मैथ्यू, अनाथ सिर्फ तुम नहीं मैं भी हुआ। क्यों? तुम्हारी कितने दिनों की छुट्टी है? मैंने टाइम्स में रिजाइन देके 2 दिन हुए थे, इसलिए मैसेज नहीं मिला। क्या फैसला लिया? क्या बताऊं तुम्हें, वहां का काम सिर्फ कॉपी करने का था, बोर हो गया था। आई कैन डू फ्रीलांसिंग। मैसूर जा रहा हूँ, ऋषि के केस की डिटेल्स लेनी है। वहां जाकर मावली आंटी से मिलता हूँ, उनसे पूछताछ भी कर लूंगा। वो क्या बताएगी? बचपन के किसी मेंटल प्रॉब्लम का ट्रेस मिला तो दैट विल हेल्प। तुम्हें दिक्कत तो नहीं है ना? गो अहेड, मेरे फ्रेंड्स से भी पूछताछ करो, तुम्हें जानकारी होना जरूरी है, ठीक है ना? गो अहेड। पहले मावली आंटी से मिलता हूँ। तुम कार लेके जाओ, मैं जीप से चला जाऊंगा। तुम्हारे पास पैसे है ना? जरूरत नहीं है, मेरे पास है, लेकिन समय पे खाना खाना, शराब पी के पड़े मत रहना, समझे तुम? बिहेव योरसेल्फ। गुड इवनिंग आंटी। गुड इवनिंग। मैथ्यू की चिट्ठी? हाँ, मिला। बोलो। मावली आंटी से मिलने के लिए मैथ्यू ने कहा था। मैं मैथ्यू का दोस्त हूँ, बाला। अंदर आ जाओ। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ मैथ्यू के साथ। लेटे रहो, मैथ्यू ने इनको भेजा है। तीन दिन हो गए कपड़े बदले, बदबू नहीं आ रही है, चुपचाप लेट जाओ। पता नहीं कब ठीक होगे तुम। कैसे हैं ये? दिन में 40 रुपए का दवा देना होता है, दवा देकर भी क्या फायदा। टेलीग्राम समय पे मिला ना? ये हाल देख रहे हो ना, तो फिर कैसे मिलेगा? उस दिन लीना के जाने से पहले आंटी की चिट्ठी मिली थी। लीना के बारे में सुनकर तो बहुत ही। यहाँ आंटी की मदद के लिए एक लड़की आ सकती है, 45 रुपया पगार और 2 वक्त की रोटी भी। यहाँ जब से गांव बसा है ना, मजदूरों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लीना की पुरानी फोटो आंटी के पास है क्या? ये घर खुद का है ना? लेकिन भाड़ा देने की जरूरत नहीं, यूं अगर कहा जाए तो जब तक चाहे रह सकते हैं। इसमें फायदा तो नहीं, लेकिन किया क्या जाए। लीना हर महीने पैसे भेजती थी, लेकिन अब तो क्या करेंगे। मैथ्यू है ना, वो पैसा भेज देगा। लीना के रिश्ते में अंकल और आंटी ही तो हैं, मैथ्यू मदद करेगा, आप टेंशन मत लीजिए। लीना के पिता आंटी के भाई थे ना? आपसे छोटे या बड़े? मुझसे बड़े हैं। बचपन में लीना का किसी चीज में इंटरेस्ट था? बच्चों को काफी इंटरेस्ट होता है ना, जैसे गाना गाना, ड्राइंग करना, या ऐसे ही कुछ खास करने का? ऐसा कुछ नहीं था। लीना कहाँ पढ़ी थी? कॉन्वेंट में। किस कॉन्वेंट में? यहाँ पास के कॉन्वेंट में। अभी नौकरानी आने वाली है, मुझे जरा काम है। अच्छा सुनिए आंटी, बचपन में लीना कुछ लिखती थी, जैसे बच्चे लिखते रहते हैं ना, जैसे दीवार पे लिखना, ऐसा कुछ तो किया होगा लीना ने? उसके सामने किताबें रख दो तो बस। लाइब्रेरी से किताबें लाती थी, हम सो जाते थे, वो पढ़ती ही रहती थी। लीना के पिताजी की फोटो है? नहीं है। फैमिली फोटोज? नहीं, वो भी नहीं है। गांव के पुराने घर में तो होंगी? वो घर तुमने पहले ही बेच दिया था। अब क्या हुआ? सुनिए, मैं मैथ्यू को चिट्ठी लिख दूंगी, कह देना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आंटी चर्च में नहीं आई क्या? अंकल की तबीयत बहुत खराब है। हमारे प्रॉपर्टी में से इसे भी एक हिस्सा दे देंगे।
इसलिए मुझे ऊपर रहने के लिए भेज दिया है ना? इस लड़की का कोई भी नहीं है, माँ बाप बचपन में ही चले गए। इसका बिहेवियर भी अच्छा है एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तुम्हें एक बात बोलूं क्या? आर यू प्रिपेयर फॉर शॉक? हाँ। मैं उससे ना शादी करना चाहता हूँ। सीरियस? वेरी सीरियस। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आंटी और अंकल मुझे पसंद कर चुके हैं, ये मैं उन्हें देखकर समझ चुका हूँ। मैथ्यू भाई साहब के दिल में बसने वाली इस सुंदरी का नाम? सेलिना। सेलिना। उसे पसंद हो तो हम शादी की बात करेंगे, वो मना नहीं करेगी। व्हाई नॉट? वैसे भी तुम मेरे राम हो और मैं तुम्हारा हनुमान बन के जाऊंगा, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, है कि नहीं? नहीं नहीं, तुम हनुमान बन के वहाँ मत जाना। हम वहाँ ऑफिशियली जाएंगे और वहाँ हम शादी की बात करेंगे, हम दोनों। तुझे फ्लाइट की टिकट देके एयरपोर्ट पे वेलकम करके कार से पिकअप करके यहाँ क्यों लाया? इसीलिए लाया। गुड लक, ऑल द बेस्ट। शादी एकदम धूमधाम से मनाएंगे, शैंपेन और स्कॉच ऑफिशियल ड्रिंक होगी। ओके, फॉर्मेलिटी बहुत हो गई, अब चलो। हाँ, चल चल। यस, हेलो मैथ्यू। हाँ मिला। अरे वही, आंटी बहुत अपसेट थी। हाँ, हिम्मत तो बहुत दिलाई है लेकिन वो शॉक में थी। हाँ एक और बात, उनका जो अलाउंस है वो हर महीने रेगुलर भेजने का मैंने प्रॉमिस किया है। ऑफ कोर्स। नहीं, पूछताछ की लेकिन कुछ नहीं बोली। सुनो, तुम ज्यादा मत पीना, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है ना? गुड नाइट। गुड मॉर्निंग आंटी। हाँ? फिर वापस आए? हाँ, बात यह है कि एक दो बातें जाननी थी। वो तो चली गई, अब और क्या जानना है? माँ मरने के बाद लीना आंटी के साथ रही थी ना? बच्चे का खर्चा उन्होंने ही उठाया था, इसलिए आंटी नाराज नहीं थी, ये मैं जानता हूँ। हाँ। आप तो नाराज नहीं है ना? नाराज हूँ, 300 रुपए भेजती थी, उससे क्या होगा बताओ? तो पैसे की वजह से। तो पैसा बैंक में डाला। किस बैंक में? हर महीना 300 रुपए मिले तो। बगीचा और बंगला मैथ्यू को मिला, यही बात जानना चाहते हो ना? पैसे का हिसाब तो जानना पड़ेगा ना, पैसा अभी भी बैंक में है क्या? खर्चा हो गया, मैंने किया। ये जगह खरीदने के लिए पैसा चाहिए था तो मैंने किया। मैथ्यू यही जानना चाहता है ना, तो जाके बता देना। छे, ये तो मैथ्यू जानता है, आप तो लीना की आंटी हैं। हाँ एक और बात, उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम था क्या? क्या बकवास कर रहे हो, बात क्या है बताओगे? सब सब मुझे बता देंगी तो पुलिस को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या पुलिस? कहाँ से? वो तो मैंने कोसन के कहने पर बैंक से पैसे निकाले थे, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं। बताइए, जो मैं जानना चाहता हूँ वो आपने अभी तक मुझे नहीं बताया। कोसन ने मुझसे जो कहा मुझे याद है, वो इंग्लैंड चला गया, ये बात फादर ने बताया, नहीं तो मैं कहाँ से जानती। अच्छा, तो फिर उसके बारे में आप सिर्फ इतना ही जानती हैं, वो कहीं गया और मर गया, बस आपका प्यार इतना ही है? प्यार क्या है, वो मेरा कुछ लगता है क्या? मेरी भाई की बेटी है ऐसा कहकर फादर ने कहा था पालो। ओ, ये बात है। तो फिर ये कोरिया कोचन फादर कहाँ रहते हैं? वो तो मर गए वेल्लोर में, गर्दन में कैंसर था। फादर हमारी बहुत मदद किया करते थे, ये जगह खरीदने के लिए पैसे भी उन्होंने ही दिए। पुलिस से मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, पैसे तो मेरे नाम से डाले गए थे। लीना के नाम से आंटी खर्च करती हैं, है ना? खर्च तो होना था ना, मैंने उसे अच्छे से पाला, तभी तो जाकर एक अच्छे इंसान से उसकी शादी हुई। अब 16 साल की लड़की थी वो, तो उसके पीछे तो खर्चा होगा ही ना। आपने लीना की परवरिश की तब उसकी उम्र क्या थी? 16 साल की उम्र से वो आपके साथ रही, सही है ना? तो फिर 5 साल से आपने परवरिश की, ऐसा आपने झूठ क्यों बोला बताइए? फादर ने कहा था ऐसे बोलने के लिए। वो फादर तो मर भी गया, लीना के पिता का असली नाम क्या है? इस मामले में मैं जरा भी झूठ नहीं बोलूंगी। एंथनी फ्रांसिस है ना?
कुन्ना टूर के जो फादर हैं, उनको सब पता है। क्या वो चर्च के फादर थे? फादर शादी करते हैं क्या? हमारे यहाँ तो करते हैं। हाँ, यही विदेश गए थे ना? इतना ही पता है। जिस बेटी की माँ ना हो उसे अपने साथ कैसे विदेश लेके जाएंगे, यही सोचकर वो मेरे पास रखे गए और मैंने भी उसका ख्याल रखा। बेचारी, उसको एक बीमारी थी। क्या बीमारी थी लीना को? वो कभी कभी 5 साल की बच्ची जैसी हरकतें करती थी। नहलाने के लिए, खिलाने के लिए, बाल बांधने के लिए मनाना पड़ता था। मानसिक रोग था? नहीं, वो बात तो नहीं, लेकिन कभी कभी भूल जाती थी। पढ़ाई में भी अच्छी थी, टाइप राइटिंग हो, स्टिचिंग हो, सब कुछ सीखा था उसने। वो क्या, हाँ, वो बस एक्सीडेंट के बाद वो इस तरह की हरकतें किया करती थी, फादर ने मुझे बताया। बीती हुई बातें उस लड़की को बिल्कुल भी याद नहीं थी। एक्सीडेंट किस जगह? 10 किलोमीटर आगे जो गांव पड़ता है ना, वहां पे एक्सीडेंट हुआ था। वो बच गई, उसका नसीब। लीना के फादर, मतलब कुन्नातुर फादर, किस चर्च में थे? मैं नहीं जानती। मैंने तो फादर को सिर्फ एक ही बार देखा है, बस इतनी ही पहचान है। अंदर बीमार आदमी है ना। लीना को मैंने कभी कोई तकलीफ दिया, ये कोई भी नहीं कह सकता। उसे मैंने अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी बीमारी का मुझे पता था। ये बात मैथ्यू जानता है। और आंटी, मैथ्यू जो जानता नहीं है वो है, लीना एक्सीडेंट से नहीं मरी, बल्कि उसने आत्महत्या की। लीना बेटी, मौली आंटी को मैंने अब रोते हुए देख लिया, मैं अब चलता हूं। लेकिन क्यों, क्यों मेरी बेटी ने ऐसा किया? यही मैं भी जानना चाहता हूं। क्या आप मुझे कुछ और बताना चाहती हैं? बोलिए। हेलो, हेलो, व्हाट अबाउट कोचिंग कॉल प्लीज, प्लीज। हेलो, हेलो जॉय, मुझे पहचाना ना? मेरी आवाज से तुमने पहचान लिया। लाइफ उतनी बुरी बिल्कुल नहीं है। अच्छा सुनो ना जॉय, कॉल इसलिए किया था, मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, अर्जेंट। अरे तुम्हारी शादी कराने वाले फादर है ना? हाँ, नाम नोट कर लो। अबे मैं नाम बताऊंगा, वो नोट कर ले, जल्दी नोट कर ले। रेवरेंड फादर एंटनी फ्रांसिस, फ्रांसिस यही नाम है उनका। कुन्नातुर फादर, कुन्नातुर फादर, हाँ मस्ट बी। वो किस किस चर्च में फादर रहे और अब वो कहाँ पर हैं, ये जानना है। अरे जरूरी है, बहुत जरूरी है, आधे घंटे के अंदर। अरे यार, मलयालम का नंबर वन चीफ रिपोर्टर अगर चाहे तो आधा घंटा क्या है, 5 मिनट में कर देगा। तुम्हें जैसे भी जानकारी निकालनी है निकाल लो। माय नंबर इज 36343, रूम 112। नो, आधा घंटा, जल्दी करना। यहाँ रूम में कूलर है, तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। मर्लिन मनरो। तुम जल्दी फोन करो, रखता हूँ, बाय। थैंक्स। मेरा नाम मत लेना, मैथ्यू भाई को बोल देना, वो पहले से यहाँ रहता था। चलता हूँ। और फादर क्या चल रहा है, मुझे पहचाना? आपको याद है क्या, बचपन में मैं यहीं पर रहता था। बचपन में मिला होगा। जी हाँ, कॉलेज में पढ़ता था तब भी आया था, तब आप कुन्नातुर चर्च में थे। हाँ, अभी नजर कमजोर हो गई है, अंदर आओ।
कुन्नतुर का काम आपने किसको सौंपा? चर्च के काम की वजह से वो मैंने मैटिन से बोला था। फादर की एक बेटी थी, मुझे याद है वो क्या नाम था, हाँ सेलेना। बेचारी वो यहाँ से चली गई, उसके बाद मुझे नहीं पता। ओ, उस लड़के का बस एक्सीडेंट हुआ था, ये मैंने सुना था। उसे अस्पताल में बहुत दिन रहना पड़ा बस एक्सीडेंट की वजह से। बस एक्सीडेंट, वो स्कूल वाले बिल्कुल झूठ बोलते हैं। उटी का बड़ा बोर्डिंग स्कूल है बोल के पैसे खर्च करके बच्चों का एडमिशन कराए तो भी स्कूल वाले ध्यान नहीं देते। मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ था क्या? अरे सब झूठ बोल रहे हैं। इन झूठ बोलने वालों को उठा कर ले जाकर चार डंडे मारे तो सब ठीक हो जाएगा। पुराने जमाने के लोग हैं, स्कूल वाले सही से ध्यान नहीं दिया, इसके वजह से फादर ने बहुत तकलीफ उठाया था। ऊटी के स्कूल वाले झूठ बोलते हैं और पैसा लूटते हैं ना? स्कूल वाले निचोड़ लेते हैं। इकलौती बेटी है, उसे कुछ तकलीफ ऐसा बोल करके फादर को बुला लिया। फॉरेस्ट ऑफिसर का फ्रेंड है फादर, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है। फॉरेस्ट ऑफिसर मेनन की बेटी वहाँ पढ़ती थी तो लीना भी वही चाहती थी। ये मैं जानता हूँ, वो दोनों दोस्त थे। फॉरेस्ट ऑफिसर अभी वो अभी ये जगह बेचना चाहते हैं। मेनन मद्रास में सेटल हो गया। तो घर पे ताला लगा है? माली नारायण के घर की देखभाल कर रहा है और सब बेचकर खा गया, फिर भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। उसका बेटा और बेटी अलग अलग काम करते हैं, यहाँ आते भी नहीं है। ज्यादा पैसा भी तकलीफदायक होता है। चर्च का काम छोड़कर कुन्नतुर फादर कहाँ चले गए? नहीं जानता हूँ। सिमोगा से फादर की चिट्ठी लेकर एक आदमी आया था, टेम्पो अरेंज करा के घर का सामान उसमें भर के मैंने ही भेजा था। उनकी बेटी का इलाज कहाँ हुआ जानते हैं? वहाँ कोई मैटरनिटी हॉस्पिटल है, सुपरिटेंडेंट के घर के आसपास ही है। फादर की हरकतें मूर्खों की तरह है, लेकिन चर्च के काम में उससे ज्यादा ईमानदार मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन हम कहाँ मिले थे मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद ऊपर वाले घर में। हाँ वही मिले थे। हाँ, ये माली नारायण का घर कहाँ है? यहाँ पास में ही है। अब वो माली पुराना माली नारायण नहीं रहा, अब वो नारायण साहब हो गया है। लीजिए। हाँ, आपसे बाद में मिलूंगा, ठीक है? हम साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, शादी का इनविटेशन देने आया था। श्यामला दीदी का लेटर मिला पिताजी? महारानी कॉलेज पास में ही है, मैसूर में काफी मशहूर है। महारानी कॉलेज? हाँ मुझे याद है। चलता हूँ, मैसूर में मेरी पहचान है, वहाँ ढूंढ लूंगा। टीचर हैं? मिस श्यामला मेनन? मैं ही हूँ। ओ, आप शिरवानी का घर और जगह बेचना चाहते हैं, नारायण ने बताया। उसके लिए मेरे भाई से मिलिए। मिल लूंगा, नारायण ने मुझे ये एड्रेस दिया था, मुझे मैसूर में और भी काम है। भैया वो घर बेचना नहीं चाहते। घर गिर गया, बस दीवार बची है। गिरने दीजिए, भैया देख लेंगे। अभी शायद उनका मन बदल गया होगा, लेकिन पहले तो वो बेचना नहीं चाहते थे। टीचर को देखे तो हाँ, टीचर की बचपन की फोटो मैंने देखी है, वो भी एक स्कूल ग्रुप में, सही है ना, सेलिना के एल्बम में। कौन सेलिना? सेलिना फ्रांसिस। ओ, मेरी लीना, वो अभी कहाँ है? स्कूल के मिड टर्म के बीच ही उसके पिताजी उसको लेकर चले गए, पता नहीं वो कहाँ चली गई। मैंने कितने लोगों से पूछा पर आपको कैसे पता? उसने एड्रेस बदल दिया, सेलिना जोसेफ। ये नाम आपने सुना है? मेरे दोस्त से उसने शादी की, मैथ्यू जोसेफ। मलयालम मैगजीन्स न्यूज़पेपर सब पढ़ती हैं क्या? पढ़ती हूँ। सेलिना जोसेफ बहुत मशहूर नाम है, उसके नाम से मलयालम में कविता भी आई है। कविता लिखना उसकी हॉबी थी, लेकिन मैं ज्यादा हॉबी सीरियस हो गई। मैं कुछ समझी नहीं, हॉबी और सीरियस। इस देश में कविताएं पढ़ने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। लेकिन आप? लीना के हस्बैंड मैथ्यू का फ्रेंड हूँ। जब हम दोनों स्कूल के डेस्क पर खड़े होते थे तो सब हमें पागल कहते थे। ये पागलपन तो सबकी जिंदगी में होता है। मैंने उसकी एड्रेस ढूंढने की बहुत कोशिश की, शादी के बारे में भी नहीं बताया। ये एड्रेस उसे मालूम नहीं होगा। गांव के एड्रेस पर भेजी थी तो रीडायरेक्ट होकर वापस आया। अभी अगर वो मुझे मिल गई ना तो उसे खूब सुनाऊंगी। अभी लीना कहाँ है? सॉरी, लीना गुजर गई। हाँ?
एक सिली एक्सीडेंट में। सिली कहें तो गन क्लीन करते वक्त गोली चली। मलयालम पेपर्स में यही खबर छपी थी। इसे पानी देना पड़ेगा। मैं यहां जगह खरीदने के लिए नहीं आया था, एक इंट्रोडक्शन करने के लिए और थोड़ी पूछताछ करने के लिए आया था। माफ कीजिए, मुझे बात करनी है लीना के बारे में। एक कवि के शुरुआती दिनों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताएंगी ना? हमारी स्कूल की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। यस, एक छोटी सी जगह में छोटी सी खुशी मिली होगी। सेलिना अमेरिका में पैदा हुई इसलिए इंग्लिश में लिखती थी। उसकी आत्महत्या के बाद यहाँ की भाषा में लिखने के लिए सैकड़ों लोग ऐसे ही सामने आए थे। श्यामला इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी है, मैं जानता हूँ। किसने कहा? जगह ढूंढने के लिए मैं पहले प्रिंसिपल के घर गया था। अगर आपको तकलीफ है तो फिर मैं बाद में मिलता हूँ। तकलीफ कैसी, अंदर आइए ना। लीना के पति मैथ्यू जोसेफ और मैं दिल्ली में बहुत साल साथ रहे। व्हाट इज ही? वो टाइम्स में न्यूज एडिटर थे। पिताजी के गुजरने के बाद गांव आए और बगीचा संभालने लगे। बैठिए। हाँ। कविता दी, दो चाय। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, बाला, बालूचंद्र नायर कहते हैं मुझे। मैंने आपके बारे में पढ़ा है, फूलन देवी का इंटरव्यू किया था इलस्ट्रेटेड वीकली के लिए। वो मैं ही हूँ। फूलन देवी को धन्यवाद देना चाहिए, उनके वजह से मुझे जानने लगे हैं लोग। आप किस पेपर में हैं? अभी किसी पेपर में नहीं, फ्रीलांसिंग। अभी एक पेपर में कॉपीराइटिंग का ऑफर था लेकिन फाइनल नहीं किया। कॉपीराइटिंग? कैश लाइंस, मतलब पायरेसी होती है ना साहित्य की, वही। मैगजीन्स का काम बेटर होता है ना? पैसे के मामले में तो बेटर है, उसमें भी पैसा कमाने का ऑफर है। किसी क्रिकेट प्लेयर की बायोग्राफी लिख कर देनी है, बायोग्राफी तो जानती है ना। लीना ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी क्या, टीबी इन्फेक्शन की वजह से? यहाँ का क्लाइमेट सही नहीं था, स्कूल की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसके पिताजी उसको यहाँ से लेकर चले गए। लेकिन ट्रैवलिंग उसके लिए अच्छा नहीं था, वार्डन ने बताया था। लीना के पिता पादरी थे, मैं जानता हूँ, वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थे। स्ट्रिक्ट होंगे शायद, लेकिन साथ में बहुत ही सॉफ्ट थे, लीना बताती थी। थर्ड स्टैंडर्ड से टेंथ तक आप साथ पढ़ती थी? 8 साल, सेम क्लास, सेम हॉस्टल भी, लेकिन उसके साथ ये हो गया। मेरा मन नहीं मान रहा है। सॉरी। लीना के पिता के बारे में आप जानती हैं क्या? नहीं, लेकिन हम लीना के पापा को लेकर बहुत मजाक करते थे, पता नहीं क्यों। वो तो सबको लेकर मजाक किया करती थी। वो सब याद है, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, कोई भी कमेंट बताइए। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। उन्नीस साल में जिंदगी शुरू की और 27 साल में वो गुजर गई। बीच में उसकी कविता की पसंद, उसने बहुत अच्छी कविताएं लिखी, इसलिए शी वॉज ग्रेट। मैंने उसकी कोई कविता नहीं पढ़ी, शायद ये मेरी बदनसीबी है। यहाँ आने के बाद लिटरेचर पढ़ना बंद हो गया। मेरे पास एक कलेक्शन है, देता हूँ। स्कूल से पिताजी के ले जाने के बाद लीना की आपको कोई जानकारी मिली? लीना के बारे में कुछ लिख सकती हैं, स्कूल लाइफ की बेस पर या ऐसा कोई एक्सपीरियंस? अरे लेकिन मुझे मलयालम। चिंता मत कीजिए, आप भाषा जानती हैं, इंग्लिश में पढ़ी लिखी हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप मलयालम नहीं जानती, ये अच्छा नहीं लगता, ये हिम्मत की बात नहीं। हिम्मत तो है मुझमें। ट्राई तो कीजिए, समथिंग पर्सनल। लीना की कविताएं इकट्ठा करके एक बड़ी किताब बनाएंगे और उसमें उसकी बायोग्राफी लोगों के लिए लिखेंगे। कोई गुजर जाए तो उसे लोग शमशान ले जाते हैं और फिर तीसरे दिन भूल जाते हैं, ये तो हम जानते हैं। इतिहास में उसका नाम दर्ज हो इसलिए उसकी किताब आनी चाहिए, यही मेरी इच्छा है, ताकि लोग उसे याद रखें।
टीचिंग। टीचिंग में पसंद करती हूँ। फ्री टाइम में पढ़ना, लाइब्रेरी। तुम्हारे पापा को ये पता है तुम डॉक्टर बनोगी ये सोचकर वो अभी से हॉस्पिटल बना रहे हैं। अरे ऐसा नहीं, बीमार लोगों के साथ व्यापार करना मुझे जरा भी पसंद नहीं। यहाँ पर बोटिंग करने देंगे? बादलों को अपनी चाहत से खुद की शक्ल देखने दो। शुरू हो गया पागलपन। और क्या चाहती हो? बहुत अच्छी जगह है। जोसेफ भैया तो अभी तक गांव में हैं, एर्नाकुलम से 1.5 घंटे की दूरी पर। गांव में कोई भी मैथ्यू का घर दिखा देगा, he will be happy। मुझे तो गांव गए हुए 3 साल हो गए। हाँ, माता पिता मद्रास में हैं ना, वेकेशन में तो मद्रास जाती होंगी ना? मैं मद्रास बहुत कम जाती हूँ। लीजिए ये पढ़िए, मैं बाद में ले लूंगा। चाहत। कल संडे है, क्लास नहीं होगी ना? सुबह डिपार्टमेंट में रहना होगा, उसके बाद शायद। तो कल मैं वहीं पर मिलता हूँ, ठीक है ना? किताब पढ़ने के बाद फिर से डिस्कस कर लेंगे। कल मैं इवनिंग में फ्री हूँ, आप आइएगा। ओके। सुनिए एक बात है, बताना है लेकिन कैसे बताऊं। एक्चुअली वो लीना की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, उसने आत्महत्या की। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, कोई मनमुटाव भी नहीं था, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तो वही तो मुझे जानना है, लीना का किसी से कोई अफेयर नहीं था और उसका पति मैथ्यू का भी किसी के साथ अफेयर नहीं था, लेकिन फिर भी ये घटना हुई, क्यों और कैसे हुई? कैसे हुई यही तो मुझे भी जानना है। उसका बैकग्राउंड जानने के लिए मैं बहुत से लोगों से पर्सनली मिल रहा हूँ, सच कहूँ तो मेहनत कर रहा हूँ। सी इफ यू कैन हेल्प मी, राज खुल जाएगा। सी यू। सी यू। मैं छोड़ दूं? नहीं, पास में ही तो है। पास और दूर की बात नहीं है, मैं आपको ड्रॉप करने आया हूँ, बैठिए। किताब पढ़ी? हाँ, उसकी कविताएं बहुत अच्छी है। अरे आपने गलत रास्ता ले लिया। मैं रास्ता जानता हूँ। लीना की शादी लव मैरिज थी क्या? नहीं, मैथ्यू ने उसे पहली बार चर्च में देखा था और उसे पसंद आ गई, आंटी ने हाँ कर दी और लीना भी मान गई, यही बात है। जिंदगी को लेकर वो सपने देखा करती थी, उसने होम साइंस के क्लास में एक दिन बोर्ड पर लिखा था। क्या लिखा था, आप तो जानती है ना? हाँ, वो मजाक की बातें। बताइए। अहंकारी बनना है, जरूरत के लिए जीना है, फालतू की बातें नहीं करनी, ऐसी अलग अलग बातें। यकीन नहीं होता कि ये लीना वही है। पढ़ाई में मस्तीखोर थी क्या? नंबर वन,
वो इस तरह की कविताएं लिखने लगेगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, बहुत बदलाव आया उसमें। परिवार के दुख के बारे में भी उसने कविताएं लिखी हैं, है ना? ये है सरप्राइजिंग। क्यों, आपको पसंद नहीं? लेकिन अनाथ, प्यार, स्नेह, ऐसी साधारण बातें कुछ भी नहीं है, उसकी कविताएं समझ के परे है। अरे हम लोग गलत रास्ते पर हैं। रास्ता ढूंढ लेंगे, लेट मी ट्राई। उतरिए ना 5 मिनट के लिए। यू आर राइट, मैं भी यही सोच रहा था। बचपन के बारे में एक कविता भी नहीं लिखी, दैट इज स्ट्रेंज। किसी भी किताब में नहीं लिखा उसने? एक है, यस, ओनली वन। उसकी शुरुआत ऐसी थी, अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ, न जाने चिराग कहाँ गुम गया, ऐसा लिखा था उसने। यही एक बचपन की कविता है। उसकी माँ की मौत के कारण, माँ के प्यार को समझ सके उससे पहले वो मर गई, यही दर्द की वजह होगी उसकी कविताओं की। हो सकता है। नौकरानी आने वाली है, मुझे जाना होगा। लीना को अंधेरा बहुत पसंद था, क्या आप ये जानते हैं? आपको क्रिटिसिज्म लिखना चाहिए, यू आर शार्प, मैं जानता हूँ। मद्रास से माँ जी मिलने आती हैं आपसे? माँ तो नहीं आती, मौसी आती हैं। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की। ओह। मेरे से बस 4 साल बड़ी हैं। अगर मैं उन्हें माँ कहूँगी तो इंसल्ट फील करेंगी। बड़ा भाई? वो सिकंदराबाद में सेटल हो गए, कभी कभार यहाँ आते हैं। आपकी फैमिली क्या दिल्ली में है? मेरा कोई नहीं है, मैथी और लीना ये दोनों ही तो मेरी फैमिली हैं। लीना को टीबी की बीमारी हुई थी, स्कूल में कोई नहीं जानता था। स्कूल से लीना के फादर उसको लेकर गए, हेडमास्टर को पता होगा, लेकिन हम में से कोई भी हेडमास्टर से पूछने नहीं गया डर की वजह से। वो अब कहाँ मिलेंगे? मैं नहीं जानती कि कहाँ होंगे, अभी तक तो रिटायर हो गए होंगे। लीना को अंधेरा पसंद था क्या, बोलिए। हाँ, कभी कभी पसंद करती थी। ये लीना की बातें हैं। थैंक्स फॉर द राइड। यू आर वेलकम। आपसे कभी मिलने आऊं तो? वेलकम। यस आई रिमेम्बर, एडमिशन की प्रॉब्लम है 8th स्टैंडर्ड में, मई में आकर मुझसे मिलो। आई कैन नॉट अश्योर यू। मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरी बेटी का यहीं एडमिशन हो। न्यू ब्लॉक के कंस्ट्रक्शन होने के बाद न्यू डिविजन शुरू करेंगे, ये पक्का नहीं। 3.5 लाख का एस्टिमेट था, 5 लाख का कॉन्ट्रैक्टर ने बताया मुझे, मैं क्या करूं? पेरेंट्स अगर मदद करें तो हो सकता है, बच्चों का भविष्य है ना। मिस्टर नारे आप यहीं के हैं क्या? नहीं, लेकिन हर महीने कुछ दिन यहाँ रहूंगा, यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है। टी स्टेट? जी, छोटी सी, बस 200 एकड़ की है। यहाँ खरीदारी में कोई दिक्कत नहीं इसलिए इन्वेस्ट किया। मेरी बेटी को यहाँ सीट मिले तो वीकेंड में मैं उससे मिल सकता हूँ। प्लीज कम इन। जी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, डोनेशन या कंट्रीब्यूशन, कुछ भी। सिट डाउन मिस्टर नायर। थैंक यू। सर आप मलयाली हैं इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी मदद करेंगे, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ तो लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं। अभी आपकी बेटी कहाँ पढ़ती है? लोकल स्कूल, इंग्लिश मीडियम, ब्राइट स्टूडेंट। एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, ये जरूरी है। वो आराम से लिख सकती है, लेकिन उसे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसकी तबीयत बहुत नाजुक है इस क्लाइमेट में। यहाँ हेल्दी क्लाइमेट है, यहाँ थोड़ा ठंड ज्यादा पड़ती है, जैसे इंग्लैंड में पढ़ती है। हाँ, स्कूल में डॉक्टर्स की अरेंजमेंट तो है ना? फुल टाइम डॉक्टर और ओन क्लिनिक, हर स्टूडेंट का हेल्थ कार्ड। ये बिल्डिंग फंड का डोनेशन फॉर्म है और ये एप्लीकेशन है। मैं वैसे पैसे वाला तो नहीं, लेकिन 25,000 का डोनेशन दे सकता हूँ। वंडरफुल, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। लोग तो स्कूल के नाम पर आजकल बिजनेस करने लग गए, लेकिन हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, मैं वही चाहता हूँ। लेकिन सर मैं कह रहा हूँ, मेरी प्यारी बेटी को हमेशा जुखाम रहता है। थैंक यू, बहुत ज्यादा। कोई भी दवा दीजिए, कोई फायदा नहीं होता, मेरी वाइफ डरती है। अरे ये तो आम बात है, ये गल्फ में, स्टेट्स में, सब जगह पर है, ऐसी कौन सी जगह बची? वी आर एक्सट्रीमली केयरफुल, पेरेंट्स हम पर विश्वास करके अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। ये स्कूल यहाँ मशहूर है, लेकिन
लेकिन बात यह है, मैंने जब यह स्कूल सजेस्ट किया तब मेरी पत्नी और उसकी फ्रेंड्स बहुत चर्चा कर रही थी। 10-12 औरतें मिले तो बात का बतंगड़ तो बन ही जाता है ना। करेक्ट करेक्ट। किसी ने कोई केस सुना था, उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। मेरी पत्नी टेंशन में आ गई। कैसा केस? किसी लड़की को टीबी हुआ था, उसकी बीमारी बढ़ गई, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई, ये सब बातें। यहाँ हमारे स्कूल में इम्पॉसिबल। औरतें तो कुछ भी बोलती रहती हैं। उस लड़की को बचाने के लिए माँ बाप ने बहुत कोशिश की, तकलीफ उठाई और खर्चा भी करना पड़ा, ऐसा मेरी वाइफ को बताया। टीबी? ये स्कूल की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आई एम 100% श्योर। मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। नो, ये डिसेंट्री तो एक आम बीमारी है, लेकिन टीबी किसी को नहीं हुआ। टीबी? नो, कभी भी नहीं। अभी नहीं, 1975 में। उस समय मैं यहाँ पर नहीं था। लोगों का क्या, कुछ भी बोलेंगे। हाँ, ये स्कूल लोगों को निचोड़ के पैसा लूटता है, ऐसा भी किसी ने लिखा था। लेकिन ये तो आम बात है। लेकिन वो लड़की, मेरी पत्नी ने उसका नाम बताया था। हाँ, सेलिना, फादर की बेटी थी। उसके पिता स्कूल के खिलाफ केस करने गए थे। केस तो वो करने ही वाले थे, ऐसा किसी ने बताया। मिस्टर नायर, ये बात मैंने कभी भी नहीं सुनी। इस स्कूल के इतिहास में मेरे से पहले या मेरे आने के बाद ऐसी घटना कभी नहीं हुई। मतलब वो लोग झूठ बोल रहे थे ना? बिल्कुल पक्की है। ऐसी बीमारी किसी को ना हो, हम फ्यूचर में भी संभाल कर चल रहे हैं। अगर हम पास्ट में देखें तो उस लड़की को टीबी नहीं था। हमारे डॉक्टर ने देखा तो वो 3 महीने की गर्भवती थी। गेट आउट। हमारे स्कूल के इतिहास में ऐसी गंदी घटना कभी नहीं घटी और कभी होगी भी नहीं। 1 मिनट भी यहां मत रुको, अपनी बेटी को लो और जाओ यहां से। सर, कोई मान मर्यादा नहीं है क्या? सर, किसी भी डिसिप्लिन के बारे में बात मत करना और कोई कहानी भी मत सुनाना। मेरी बात समझ में आ गई होगी? आप यहाँ स्कूल में क्या कर रहे हैं? जो भी करना अपने घर जाकर करिए। चलो चलो यहाँ से। लड़की को कहां ले गए? मुझे क्या मालूम, लेकिन एक बात का मुझे भी बहुत दुख है। वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, ब्रिलियंट। स्कूल की मैगजीन में उसने एक पोएम लिखी थी, सुपर्ब। ऐसे एलोकेशन, रेस्ट्रेशन, इन सब में वो फर्स्ट आई थी। लेकिन उसके पिता से मेरे झगड़े करने का कोई फायदा नहीं। ऐसी गलती ना होने के लिए हॉस्टल से, स्कूल से, इम्पॉसिबल। वेकेशन में जाने के लिए हर वक्त हमारा स्कूल बिल्कुल भी परमिशन नहीं देगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लेकर जा रहे हैं? कहा
यस हेलो तुम कहाँ हो सीमा को मैं कहाँ हो नहीं आई एम ऑल राइट श्यामला मेनन नहीं मुझे याद नहीं उसने क्या कहा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो कोई पुरानी बात लीना ने तुमसे शेयर की थी क्या ओ कुछ नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था मैं कहीं नहीं गया था मैथ्यू ठीक है गुड नाइट फिर कॉल करूंगा ओके हाँ सुब्रमण्यम कम इन मेरा बॉटल एक नंबर होता है सर टेस्ट करके इसकी ओरिजिनलिटी चेक कर लीजिए छुट्टी हो गई ना अब बैठो अभी अगर स्टाफ आ गए तो अरे रूल तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं बैठो हाँ एकदम ओरिजिनल माल है ना सर बगल वाली बिल्डिंग में नर्सिंग होम है क्या डॉक्टर राव रूम मिलेगा हाँ मिल जाएगा डिलीवरी के केस देखते हैं क्या राव वो हमारे मालती डॉक्टर है पलकड़ एरिया मुझे भी एक केस एडमिट करना है इसलिए पूछ रहा था गांव बहुत अच्छा है सर वहाँ अच्छा अच्छा हॉस्पिटल भी है सर आप आराम से धीरे धीरे पीते रहिए किसी को भी ना पता चले ऐसे काम हो जाना चाहिए काम हो जाएगा ना आप उसे लाए हो क्या आ जाएगी जोश जोश में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे वॉचमैन की बेटी है उसका एबॉर्शन करना है अभी हर जगह ऐसा ही चल रहा है सर आप चिंता मत कीजिए गांव में कहीं करवाऊंगा तो मेरी बदनामी होगी इसीलिए यहाँ लाने की सोच रहा हूँ यही सेफ है काम खत्म होने के बाद आराम से बैठने की सोचता हूँ तो यही टेंशन मेरे सर पे रहता है मुझे इससे छुटकारा चाहिए कुछ भी करके मेरी मदद कर दो भाई पर ये तो फेट है सर फेट तो है भाई डॉक्टर मालती किसका नंबर है आइए गुड मॉर्निंग डॉक्टर पेशेंट कहाँ है सॉरी डॉक्टर आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम वाइफ की डिलीवरी अगस्त में है आपसे एडवांस में आइडिया लेने आया था वाइफ कहाँ है नहीं वाइफ नहीं आई हम लोग यहीं पर ठहरना चाहते हैं इसलिए एडवांस बुकिंग करने के लिए आया हूँ पहले वाइफ को लाइए फिर डेट दूंगी मंगो माँ मंगो माँ सॉरी सुविधा के लिए रूम्स देख सकता हूँ क्या माधव को बोल दो रूम्स दिखाने के लिए चलिए सब एट्रेचर और जनरल थी आप यहाँ काफी दिनों से है ना 17 साल हो गया मुझे रूम का रेंट बढ़ता रहता है बस रेंट 35 रुपए तक पहुंच गया स्टाफ की पगार नहीं बढ़ती यहाँ पी सकता हूँ ना लीजिए रख लीजिए फॉरेन का है सर आप मेरे पास है आपको रूम कब चाहिए मेरा इस इलाके में बिजनेस है इसलिए मैं यहाँ पहले से ही वाइफ को लेकर आना चाहता हूँ घर चाहिए क्या घर हाँ चाहिए रेंट पे चाहिए या खरीदना है कीमत कम होगी तो खरीद लेंगे एक बगीचा अगर घर के आसपास हो तो चलेगा मेरी नजर में 2-3 घर हैं बेच रहे हैं वो वाइफ को अस्थमा है यहाँ का वातावरण अस्थमा के लिए ठीक है ऐसा डॉक्टर ने कहा इसलिए खुद का घर हो यहाँ तो अच्छा है सर आपका बिजनेस टिम्बर यहाँ से परचेस करके भेजता हूँ अभी आप कहाँ ठहरे सर होटल वृंदावन 17 सालों से आप यहाँ काम कर रहे हैं तो आप सब जानते ही होंगे कल आराम से सारी बातें करेंगे फिर भी सर कितने भाव का मकान चाहिए
पानी की व्यवस्था हो तो बगीचा ले सकता हूँ, 3-4 एकड़ का। 4-4.5 लाख में डील हो जाए तो कर लेंगे। सर मैं आपको होटल में आके मिलता हूँ। हाँ। नानू पानी का मोटर जल्दी से ऑन कर दो, नहीं तो पानी चला जाएगा। आ रहा हूँ। सर यहाँ के ब्रोकर के चक्कर में मत पड़िएगा, वो अपने जाल में फंसा लेंगे। सिर्फ आप ही के जाल में फंसूंगा, किसी और के नहीं। ठीक है सर। बस 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 सर, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। देव स्थान के पार्टी वाले बेच रहे हैं, हम उनसे खरीद लेंगे, देखेंगे। डिलीवरी के बारे में आपने मुझे डिटेल्स नहीं बताई। मेरी बीवी की उम्र थोड़ी कम है, बस 17 साल की है वो। अच्छा ये कैसे? गल्फ से बिजनेस छोड़ के आने के बाद जबरदस्ती माँ बाप ने मेरी शादी करा दी। लड़की की उम्र तक नहीं जान पाया था मैं। आप कहीं बाहर ना घूमे इसीलिए कर दिए क्यों? लेकिन छोटी लड़की का क्या करें, मेरे हाथ में फैसला नहीं था, उसने भी मुझे पसंद कर लिया, फिर शादी हो गई। लेकिन 16-17 साल की उम्र में डिलीवरी का दर्द सहना? अरे सर ये तो उम्र में होता ही है। अभी भी आप मेरी वाइफ को देखेंगे ना तो वो बच्ची ही दिखेगी। अब क्या बताऊँ, केस तो बहुत है। 13 से 14 साल की उम्र की लड़कियां बहुत गलतियां करती हैं। गलती करने के बाद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये तो शादी की है ना। हाँ मैं ये भूल गया, एक दूसरी जगह, हाँ कोलम में एक जगह है जहाँ 20 से 25 हजार देकर लड़कियां अबॉर्शन कराती हैं। देखेंगे, मेरी वाइफ तो बिल्कुल माचिस की तीली की तरह पतली है, इसी का डर है। सर आप कैसी बात कर रहे हैं, 9 या 10 के स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की हमारे अस्पताल में बीमारी कह के एडमिट किया था। क्या आप भी मुझे हिम्मत देने के लिए फालतू की बातें कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मजाक लग रहा था। ये कब हुआ? 10 से 12 साल पहले हुआ था। मुझे तो मजाक लग रहा था कि वो लड़की गर्भवती है, बच्चा पैदा करेगी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी शादी नहीं हुई थी? नहीं नहीं, अब ये तो समस्या है, अस्पताल के कर्मचारी उसका मजाक उड़ा रहे थे जबकि वो लड़की कुछ जानती नहीं थी। तो फिर भाई साहब आप किस गांव से हैं? तुरंत लड़का दे करके लड़की की शादी करवा दीजिए। कौन है वो? पापा पापा शी इज लाइंग पापा, मुझे किसी ने टेस्ट नहीं किया पापा। पापा शादी के बाद ही प्रेग्नेंट हो गए ना पापा। यार लायर, यार ब्लडी लायर, मुझे किसी ने नहीं टच किया। डॉक्टर से कोई भी बात छुपा नहीं सकती, आइए बताती हूँ। चार महीने से प्रेग्नेंट है, ये रिस्की है, फैसला आपको करना होगा, सोच के बताइएगा, देर करेंगे तो रिस्क और भी बढ़ जाएगा। पापा मैंने कोई गलती नहीं की पापा, डॉक्टर है ना झूठ बोल रही है, मैं सच कह रही हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए पापा, मुझ पर विश्वास कीजिए ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप विश्वास क्यों नहीं करते? चुप 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 चलो। सच कहूं तो वो लड़की कुछ भी नहीं जानती थी, झूठ बोलने वालों को हम देखकर समझ जाते हैं, लेकिन उसका पिता अबॉर्शन के लिए नहीं माना, ये सुनकर आश्चर्य हुआ। और कुछ लाओ? कुछ नहीं चाहिए, मतलब जिन्हें तकलीफ होती है आप उनकी मदद करते हैं। हाँ मैंने उनके रहने के लिए घर का इंतजाम किया था। वो मलयाली थी क्या? यही सोच कर तो मैंने उनकी मदद की थी। इस घटना को 10 से 12 साल तो हो गए होंगे। उस लड़की का नाम क्या था? याद तो आ रहा है मुझे, हाँ सेलिना, अभी याद आया मुझे, उसे लीना कह के पुकारते थे। डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आई थी? चेकअप के लिए आती थी, उस लड़की को इस गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। तो डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं हुई? कैसी प्रॉब्लम, उसके पिताजी की शक्ल देखकर मैं बहुत दुखी हो गया था, लड़की का दिमाग बिल्कुल छोटा था, वो लड़का कौन है कहाँ का रहने वाला ये हमने बार बार जानने की कोशिश की लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। नॉर्मल 2.5 किलो। ये लड़का है। हाँ।
अरे लड़का हुआ है भाई साहब, अब उसे रहने दीजिए, ये आपकी मदद ही करेगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, समझ गया ना मेरी बात? सिस्टर, हाँ? इसे झूले में ठंड लगेगी, इसे मेरे पास दीजिए। ओ, 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 ओ। अरे इसे कैसे उठा रही हो, ऐसे उठाओगी तो दर्द होगा ना, पहले कभी नहीं उठाया क्या? कुछ भी नहीं होगा, नवजात शिशुओं को तो मैं नहलाती हूँ। तुम आराम करो ठीक है। ये तो रो रहा है। इसे रोना चाहिए, रोना तो अच्छा है ना? आले ले ले बेटा, चलो आंखें खोलो, चलो चलो। इतने छोटे बच्चों को हमारी बात समझ में आती है क्या? हाँ दिमाग तो है ना। इतना छोटा बच्चा, बच्चे थोड़ी समझते हैं, मैंने सुना था। अभी बच्चे को सुला देती हूँ, अच्छा लगे, ये लो पकड़ो। तुम माँ को तकलीफ नहीं दोगे ना? बिचारी। हम 3:30 में फाइनल करेंगे, लेकिन वो तो 4:30 बोल रहा है। कल सुबह हम जाकर के देख लेंगे, मेरी ड्यूटी 9:30 की है ना? कल नहीं, कल मंगलवार है, सही नहीं है। ओ मतलब मुहूर्त निकालना होगा, मतलब शुभ काम के लिए हमें मुहूर्त निकालना पड़ेगा। अस्पताल से वो लड़की बच्चा लेके घर गई होगी है ना, यही बात है ना? ओ हाँ बिल्कुल नहीं, चर्च में बच्चे को पानी छिटकाना और नहलाने तक का काम उसके पिता ने घर पे एक नौकरानी रखी थी और वो उसे अकेले घर में संभाला करती थी, वो उसी घर में रहती थी। अब आप जाइए, लीजिए ऑटो कर लीजिए। इमानुएल, तुम जीसस के बेटे हो, वही तुम्हें आशीर्वाद देंगे, वो तुम्हारे साथ रहेंगे, इमानुएल तुम्हारा नाम होगा। मेरी बात समझ गए बेटा? इमानुएल तुम नाम रोशन करोगे। करोगे ना बेटा? बताओ ना इमानुएल। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो मेरे साथ आओ।
मैं भी साथ में आ रहा हूँ, मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दीजिएगा। बैठो बैठो अंदर। पापा मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? बच्चा आ जाएगा बेटा, शांत रहो। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाओ, जल्दी करो। पापा पापा पापा, मेरा बेटा, पापा पापा गाड़ी रोकिए, पापा वो लोग अलग रास्ते से जा रहे हैं, पापा गाड़ी रोकिए, मुझे जाना है मेरे बेटे के पास, पापा मेरा बेटा, पापा ड्राइवर गाड़ी रोको, पापा गाड़ी रोकिए ना, पापा पापा मेरा बेटा। चुप रहो पापा, मेरा बेटा। चुप रहो, कुछ गलत नहीं हुआ है, सब सही हुआ है, सब सही हुआ है, समझे? शांत रहो, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अरे चुप हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, मैं कह रहा हूँ। अरे चुप हो जाओ, बच्चा आ जाएगा तुम्हारे पास, बता रहा हूँ मैं। सुनो लीना, लीना बेटी क्या हो गया? लीना बेटी, ओह माय गॉड, ईश्वर की कृपा से कुछ गलत नहीं हुआ। यह अनाथालय कब शुरू हुआ है फादर? मुसलमानों के राज पे शुरू हुआ और अभी इसे कमेटी चला रही है। थैंक यू फादर। यस सिट डाउन, आई एम आल्सो फ्रॉम केरला। तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहता हूँ, मेरी पहचान का एक परिवार एक बच्चे को यहाँ छोड़कर गया था, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। वाय? बच्चों को यहाँ छोड़ने के बाद किसने छोड़ा, कैसे छोड़ा, ये रहस्य हम किसी को नहीं बताते हैं। दैट्स रॉन्ग, किसी ने पर्पजली छोड़ा है, ये कैसे दिखाएंगे हम? मत दिखाइए, लेकिन उसके बारे में बता तो सकते हैं, इतना तो करेंगे ना? ठीक है, विदेश के लोग अगर बच्चा गोद लेना चाहे तो क्या नियम है? आपने किस किस देश में बच्चे बेचे हैं बताइए। आप हैं कौन? मैं समझा नहीं। दिल्ली से हूं। सुपरिटेंडेंट जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, विदेश में कितने बच्चे बेचे आपने? ये स्ट्रिक्ट है सारा, गवर्नमेंट का पेपर क्लियर करके कोर्ट से अप्रूवल लेकर। स्टॉप इट, पैसों के लिए बच्चों को आप भेड़ बकरियों की तरह बेच कैसे सकते हैं? इस गरीब देश के अनाथ बच्चों को वहां ले जाकर उनके ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, उन्हें बचाने के लिए इन बच्चों को स्वर्ग भेजना चाहते हैं क्या? यू सी, अगर पेपर क्लियर नहीं हुए तो हम किसी को भी नहीं भेजेंगे, कानूनन हमारे फाइल्स में सब परफेक्ट है। बच्चों का मिसयूज किया जाता है ये भी रिपोर्ट है। ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है। हम सब जानते हैं, इन बच्चों की किडनी निकाल के ट्रांसप्लांट करने का बिजनेस चल रहा है। काली आंखों के कॉर्निया की डिमांड भी दुनिया में बहुत है, पार्ट बाय पार्ट शरीर को काट के बेचते हैं वो, और ये सारी बातें साइंस एडवांस होने की वजह से हो रही हैं। आपने कितने बच्चे सप्लाई किए, बोलिए, जवाब दीजिए। पहले हो सकता है, मेरा सुपरिटेंडर का चार्ज लिए हुए 3 साल हो गए, इन 3 सालों में ऐसा कोई भी गलत काम नहीं हुआ है। यहाँ पुरानी फाइल्स नहीं है क्या? है, लेकिन कमिटी। एक लड़का 12 साल पहले जिसे यहाँ छोड़ दिया गया, वो कहाँ है? वो यूरोप में है या अमेरिका में है, या उसके अंग बेचे गए, ये जानना है। उसके टुकड़े टुकड़े तो नहीं किए गए, यही जानना चाहता हूँ अभी। बच्चे का नाम लिख दीजिए, अपना एड्रेस भी, रिकॉर्ड चेक करके मैं बता दूंगा। मैं अभी जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट इट नाउ। ईयर 1975। नेम? इमैनुअल, फर्स्ट नेम इमैनुअल, इमैनुअल फ्रांसिस और इमैनुअल एंथनी उसका नाम है। यू सी, ये एंट्री देखिए, इमैनुअल एंथनी। ये लाल पेन से क्या लिखा हुआ है? वो यहां से भाग गया था, रिकॉर्ड में है।
बच्चे की फोटो आपने रखी है कि नहीं? इमैनुअल को याद है क्या? नहीं। बच्चे बार बार यहां से भागते हैं? कभी कभार। ओके, सॉरी फॉर द ट्रबल। आप दिल्ली में किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं? ह्यूमन वेलफेयर। हम लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर आए हैं, सजा देने के लिए नहीं। टी कॉफी कुछ लेंगे? नो नथिंग, थैंक यू। हेलो हेलो, ट्रंक कॉल फ्रॉम दिल्ली। हेलो, घर बंद था तो मैंने सोचा कि आप वेकेशन के लिए कहीं बाहर गई हैं। गांव से आ रहे हो क्या? हाँ, अभी अभी आया हूँ, लेकिन विलेज लीव, कैजुअल लीव, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं अपने मन का राजा हूँ। सुनिए, एक सवाल है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि लीना ने आत्महत्या क्यों की, ये जानकर क्या फायदा? फायदे की बात करूं तो एक जर्नलिस्ट अपना काम पूरा नहीं कर पाया, ऐसा सोचेंगे लोग। पढ़ाई करते समय लीना किसी से प्यार करती थी क्या? नहीं। शादी से पहले लीना का किसी से अफेयर था, ये जानना चाहता हूं मैं। ये राज सिर्फ आपको पता होगा, बताइए। नहीं, अगर होता तो मैं जानती। दिल्ली कब जाएंगे? अभी तय नहीं किया, कुछ काम करना पड़ेगा ना। अगर गांव में कुछ काम करे तो? वहाँ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे महीने में 500 मिले या 5000, सब बराबर है, मुझे टेंशन नहीं होता। पैसा ज्यादा हो तो टेंशन होता है, इसलिए बिंदास रहता हूँ। अभी क्या चाहते हैं? उधार तो नहीं मांगूंगा, अभी पैसे हैं, कोई टेंशन नहीं। पैसे ना हो तो? पैसे नहीं हो तो 4 दिन सिर्फ वड़ा पाव खाकर मैं मुंबई के फुटपाथ पर रुका था, वो ऐसा जमाना था, मुझे कोई डर ही नहीं था। और गांव? सेलेक्ट करे, रिश्तेदार नहीं है, खुद की जगह नहीं है, लेकिन मेरी पहली कमाई के 100 रुपए का मनी ऑर्डर लेकर ही मेरी माँ गुजर गई, अफसोस होता है, किस्मत। लेकिन अब मेरी किस्मत खुलने वाली है, सच में। आपसे मिलने के बाद मुझे यही महसूस हुआ। चलते हैं, नए प्रेमियों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, यही तहजीब है। साइंटिस्ट जेम्स के बारे में आप जानती हैं क्या? मेरे पिताजी राइटर थे, ऐसा मेरी माँ ने मुझे बताया था। ऐसा? सच में मेरे पिताजी राइटर ही थे, लेकिन वो एक बात के लिए मशहूर थे, घर पे बैठे बैठे आराम से 2 पेग लगाना और टाइट होके पड़े रहना। जेम्स अपने दिल की बात बताते हैं कि गरीबी आपका रास्ता कभी नहीं रोक सकती। पैसा खर्च करके दुख नहीं मिटाया जा सकता है, उसके लिए दोस्तों की जरूरत पड़ती है। परिवार की कहानी बताने की वजह है, परिवार में ही प्यार मिलता है। मैथ्यू के घर में प्यार मिला, इज्जत मिली, मुझ जैसे अनाथ को उसने अपनाया, लेकिन इस सब में लीना नाटक कर रही थी, ऐसा मुझे महसूस हुआ, लेकिन मेरी गलतफहमी थी। हम सब लोग नाटक ही तो करते हैं, है ना? आप किसे बचाने के लिए मेरे सामने ऐसा नाटक कर रही हैं? नॉनसेंस। नाराज मत होइए, मैं भी नाटक कर रहा था, जरूरत थी। अपना बगीचा संभालने वाले मैथ्यू ने कौन सा भेष धारण किया होगा ये पता ही नहीं है। आप मैथ्यू के सामने लीना की बातें कर रहे थे ना? नहीं, वो कवि थी, अपने में जीने वाली थी, उसने नाटक नहीं किया, ये सच है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन आप कोई एक्टर नहीं है, फिर भी एक्टिंग कर रही हैं। मैं आपसे लड़ नहीं रही हूँ, लेकिन आप किससे नाराज हैं? मैं नाराज नहीं हूँ, जो बातें मैं नहीं जानता लीना के बैकग्राउंड की, वो श्यामला जानती है, लेकिन बता नहीं रही। नहीं, मैं और कुछ नहीं जानती। आप तो जानती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप छुपा रही हैं। देखिए,
ऐसा कोई भी राज नहीं है, और अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं बता देती आपको। वेकेशन में कहाँ जाएंगी? मैंने कुछ फैसला नहीं किया, बाद में सोच के बताऊंगी। मैथ्यू ने हमें स्टेट बुलाया है घूमने के लिए। थोड़ा चेंज मिलेगा ना, ऊटी होकर जाएंगे, वहाँ एक दिन रुकेंगे। What do you mean? ओ, ये बात है। ऊटी में रुकने की बात क्या कर ली मैंने, तो आप नाराज हो गई है ना। I did not mean that. देखिए, नहीं मुझे कुछ सुनना नहीं। पहले हम दोनों एक दूसरे को जानेंगे, पसंद करेंगे, घुले मिलेंगे, यही मैं सोच रहा था। फ्रेंडशिप, क्लीन हेल्दी फ्रेंडशिप, ये चीज दुनिया में है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन प्लीज, यहाँ एक परिवार रहता है। सॉरी, मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था। आप अपनी हैं, यही सोच के मैंने ये सारी बातें बोल दी। अब चाय मिलेगी क्या, अगर आप चाहें तो? आइए। मैं जब मुंबई में फ्री प्रेस में ट्रेनी था ना, तब पहली बार यहाँ आया था। अब तो बहुत बदलाव हो चुका है। पहले यहाँ याद है ना? बहुत ठंड है। स्वेटर नहीं लाए? चाहिए? हॉस्टल में रहते वक्त मेरे पिताजी मुझसे मिलने आए थे, और विजिटर्स रूम में सिगरेट का पैकेट भूल कर गए। उसमें से दो सिगरेट निकाल के मैंने और लीना ने रात को पी थी। पूरा रूम स्मोक से भर गया। डॉर्मेटरी में लड़कियों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी तकलीफ हुई तो खिड़की से स्मोक को बाहर निकाल दिया। वैसे और क्या क्या एडवेंचर्स किए आपने? एनी मिस के आने के बाद सब कुछ स्ट्रिक्ट हो गया, फिर भी लीना अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर उस वक्त गाना गाया करती थी। यहाँ आने के बाद श्यामला बहुत कुछ बताएगी, ये मैं जानता था। ओ, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी? बहुत सारी बातें क्या जानना चाहते हैं? कुछ पुरानी बातें याद आएंगी, ये सोच के पूछा था। सच में मैं भी 2 साल हॉस्टल में रहा हूँ, हजारों गलतियां की हमने। लाइट फ्यूज कराने में मैं मास्टर हूँ। हम दोनों भी फ्यूज करवाते थे। मोमबत्ती जलाकर कोई भी गाना नहीं गाएगा, ऐसा एनिमिस ने ऑर्डर दिया था, लेकिन लीना तो लीडर थी। हम लोग होल्डर में कॉइन डाला करते थे। आराम से। एनी मिस के आने तक हम लोग अंधेरे में डेविल डांस किया करते थे। साइलेंट साइलेंट साइलेंट। जल्दी टॉर्च जलाओ, कॉइन निकालना है। टेबल लाओ, जल्दी 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 करो। बिंबी सर की प्रजा। बिंबी सर से मिलने के बाद लीना आकर कहती थी कि बिंबी सर की प्रजा है। बिंबी सर के साथ वक्त बिताना लीना को पसंद था। एक बार तो ऐसा हुआ कि पनिशमेंट मिलते मिलते वो बच गई। तय हुआ कि सैटरडे 7 बजे हम लोग आउटिंग जाएंगे। लीना को फिल्म पसंद नहीं थी, वो वॉकिंग पसंद करती थी, और मैं उसके साथ रहना पसंद करती थी। अरे बातों बातों में हम दोनों तो कपड़े खरीदना ही भूल गए। मेरे पापा के बहुत पहचान वाले यहाँ पर हैं, उनसे लेते हैं। ये जैकेट शॉल बहुत अच्छा है। मुझे दो ना यार, कितने का है? ये अच्छा, वो भी अच्छा है। वो चाहिए तो वो ले लो। ये नहीं यार, ये सही नहीं है। ये लीजिए, ये अच्छा है। इसका रेट तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं बोल रहे साहब। अच्छा, आपके लिए 10 रुपया कम, 25 रुपया दे दो तो बैठना यहाँ। ये तो हम सोशल सर्विस कर रहे हैं ना। हाँ साहब, लीजिए ना, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत जगह है। मफलर भी सस्ता है, सिर्फ 15 रुपए। हाँ ये देखो, ये बहुत अच्छा है, देखिए कितनी जगह है इसमें। कहाँ ज्यादा है ये? कितने का है? प्योर वुल, ये 35 रुपए का।
आइए ये देखिए, 10 स्वेटर है इधर, शॉल। ये अच्छा है। हाँ जी, इसका 55। ये कितने का है? ये 15 रुपए। माँ जी, आज का धंधा कैसा हुआ? वेरी गुड। हमारा कमीशन? कमीशन? न्यू ईयर, डाइन, म्यूजिक, कम। आज फ्री का ऑफर है। चल ना यार, चल के देखते हैं। ओके। ए, दम मारोगी क्या? ये मैं पहली बार पी रही हूँ, पता है? मस्त है। तुम भी पियो ना। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कलर्स दिख रहे हैं और फंटास्टिक विजन। ये ले, ट्राई, कम ऑन। मस्त है ना? फिर वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हमें कुछ भी नहीं मालूम। टाइम क्या हो रहा है? चलो उठो ना। टाइम? हम यहाँ कैसे पड़े हुए हैं? कोई हमारे ऊपर था, ऐसा लग रहा था मुझे। चलो उठ। Thank you.
चले क्या? हाँ ठीक है चलो। किया क्या आपने? नहीं, ऑर्डर करो। रूम में सर्व करते होंगे ना? अच्छा, कोई बात नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। गुड नाइट। रुकिए, इधर आइए। मैं फिर से लीना की मौत में उलझ गया, माफ कीजिए। एक कविता याद आई, रोशनी। चारों तरफ अंधेरा है, न जाने चिराग कहाँ गुम गया है, हमारी लीना ने लिखा था। चिराग गुम जाने से जिंदगी में मेरी अंधेरा छा गया, जाने कब चिराग मिलेगा मुझे और जिंदगी रोशन होगी। श्यामला आपने मेरी मदद की। मैं मदद कर सकती हूँ क्या? हाँ, आप ही ने। अंधेरे में सफर की शुरुआत यहीं से हुई, ये मैं जान गया। प्लीज श्यामला, ये मैं हूं। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, काम डाउन। माथो साहब अभी अभी निकले थे, आप सुबह आएंगे कह रहे थे। श्यामला। हाँ, बक्सा अंदर। हाँ, रख देता हूँ। फील एट होम, इसे आप अपना ही घर समझिए।
ये बैग उधर। हाँ साहब। चलो मैथ्यू साहब मार्केट में भी नहीं जाते, बगीचे में भी नहीं जाते, फोन का इंतजार करते रहते हैं। हाँ कोई बात नहीं, मैं चाय लेकर आता हूँ। अच्छा सुनिए, मैंने पहले आपसे एक सवाल किया था, लीना जिस दिन गुजरी उस सुबह यहाँ पर कोई आया था क्या? मच्छी वाला या उधार मांगने वाली महिला, ये लोग तो आए थे, इनके अलावा और कोई? पोस्टमैन, फिर भिखारी, नहीं भिखारी नहीं, वो जो रोड पे कचरा उठाते हैं ना, वो कचरा उठाने वाले लड़के आए थे, और तो कोई भी नहीं आया। अच्छे से याद करके बताना कोई आया था कि नहीं। नहीं और तो कोई नहीं, वो कुत्ता का खाना खाने का बर्तन उठाकर अपने गोनी में रख लिया था, तो मैंने उसे बहुत मारा था। तब लीना मैम साहब कहाँ थी? पेपर पढ़ रही थी, मैं वो लड़का को मारते वक्त वो नीचे उतरी, उसे मत मारो बोल करके उसे छुड़ा दिया। फिर उससे वो बर्तन छीनने के बाद ही मैंने उसे जाने दिया था। पहले मद्रासी लोग ये सब करते थे, अब ये लोग भी करने लग गए। ये गांव के ही बच्चे थे। हाँ? लीना मैम साहब उस लड़के को समझा रही थी, वो छोटा लड़का है, उसे मारो मत, उसे छोड़ दो। अब इनको प्यार से कैसे समझाएंगे? ये चोरों पे दया मत कीजिए, मैंने कहा था मैडम को। नाम क्या था, गांव कौन सा है, ये सवाल लीना मैम साहब कर रही थी। मुझे गुस्सा आया और मैं तुरंत किचन में चला गया। मैं आप लोगों के लिए चाय या फिर कॉफी लेकर आऊं साहब? कुछ भी ले आओ। ठीक है। कौन है वहां? रुक जाओ रुक जाओ। छोड़ो, तुमने ही बंगले से बर्तन चुराया था ना? बोलो सच बोलो। नहीं मैंने नहीं चुराया। नहीं? मैंने उन्हें वापस रख दिया था। क्या नाम है तुम्हारा? इमानुल। अगर तू दोबारा इधर नजर आए ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। ये बेचोगे तो तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? तुम्हारा नाम क्या है? रो मत बेटा, चोरी करना गलत बात है। क्या चाहिए बताओ? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? नाम नहीं जानती हो क्या? इमैनुअल, इमैनुअल एंथोनी। Thank you.
कुदरत ने लीना के साथ नाइंसाफी की थी, यही गम उसके दिल में था। और इसी गम को खत्म करने के लिए उसने खुद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आखिर श्यामला को लेके आ ही गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मैथ्यू को बताया था। इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें क्या पता चला, उसका कारण क्या है? नहीं मैथ्यू, कोई कारण नहीं, कुछ भी नहीं। हम अभी तक इसके बारे में बात कर रहे थे। तुमने रात से पर्दा उठाने के लिए मुझे भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, है ना? हाँ, जैसा मैंने सोचा वैसा ही। ठीक है, आप लोग निकलो, मैं बाद में मिलता हूँ। एक दोस्त जो यहाँ पहली बार आई है, उसका ख्याल रखना चाहिए, ये लीना से मेरे बारे में बोलेगी। अच्छा, मैं ख्याल रखूंगा ये भी, मैं लीना से बोलूंगा। तुम्हें मजाक लग रहा है, लेकिन मैं लीना से बात करूंगा। वो मेरी बात सुनेगी, जरूर सुनेगी। रो मत, वो अपनी असली जिंदगी जरूर जिएगा, उसे इज्जत की जिंदगी मैं दूंगा, मुझ पे भरोसा करो। इमैनुअल, इधर आओ। Thank you.